नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिक्शा में डिजिटल मीटर काम नहीं कर रहा है, आखिर क्या वजह है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है, इसका चाबी ऑन करने के बाद आप देख रहे होंगे मीटर में लाइन नहीं आ रहा है, लेकिन सारा फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ देखिए, आप सुन रहे हैं, हॉर्न भी बज रहा है, लाइट का मैं लाइन दे रहा हूँ तो लाइट भी जल रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ देखिए, और एक्सीटर लेने पर गाड़ी भी चल रही है, आवाज़ सुनिए आप, सुन रहे हैं, सारा सिस्टम काम कर रहा है। देखिए एक्सीटर मैंने लिया, चक्का बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन ये मीटर में लाइन नहीं आ रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि मीटर खराब हो गया, लेकिन मीटर खराब नहीं होती है, आप चेक कर ले, कभी कभी खराब होती है, किट उड़ता है, लेकिन ज़्यादातर पहले मीटर चेक कर लें, क्योंकि इसमें 48 वोल्ट का करंट चाहिए। वो करंट के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें 48 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। मैं जग उतार लेता हूँ, पहले मैंने जग लगाया था आपको चेक करने के लिए। तो देखिए मैंने गाड़ी को उतार दिया है, मीटर ये डिजिटल मीटर है या कोई भी मीटर हो, इसको रिक्शा चलने के लिए उसमें 48 वोल्ट का सप्लाई होना जरूरी है। मैं देखता हूँ, सबसे पहले इसके लिए आपको जो है ये मीटर में जो है तार लगी हुई होती है। चलिए मैं इसको आसानी से मीटर ही खोल लेता हूँ, आपको काम करने में आसानी होगा। ये देखिए मीटर में 2 वोल्ट लगी हुई होती है, इसको खोल ले, पहले चेक करना होगा इसमें 48 वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है निगेटिव का तार टूट गया हो या पॉजिटिव का ही तार टूट गया हो, वो देखने के बाद इसी वजह से मीटर में लाइन नहीं आता है, क्योंकि सारा सिस्टम सा काम कर रहा है, 1 लीटर काम कर रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन मीटर में लाइन नहीं आ रहा है। देखिए ये मीटर का है, ये स्विच का है, पहले मीटर का तार को मैं देखता हूँ। चलिए मैं इधर से ही देखता हूँ, क्योंकि इसका तार तो बहुत ही पहले से ही ऑलरेडी टेप मारा हुआ है, मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यही तार है, अब देख रहे होंगे ऑलरेडी सब में टेप मार के पहले से तैयार किया हुआ। ये देखिए ये तार है, इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें 28 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि, इसके लिए मुझे मल्टीमीटर जोड़ पड़ेगी। चेक करता हूँ इसमें 28 वोल्ट आ रहा है या नहीं, आप मीटर पर ध्यान देंगे। पहले आपको इसको 200 पे कर देना है, यहाँ देखिए 200 पे होना चाहिए, ठीक है। आप जो है इस ये माइनस ये प्लस तार है, माइनस को आप कहीं भी जहाँ ब्लैक तार आपको नजर आ रहा हो, जैसे देखिए यहाँ एक ब्लैक तार लगी हुई है, देखो आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ये देखिए ब्लैक तार है, देख रहे हैं ब्लैक तार लगी हुई है, ये दिक्कत हो रही है आपको देखने में। आप देखिए यहाँ देखिए ब्लैक तार है, ब्लैक तार में माइनस को आपको लगाना है, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये प्लस तार को आपको मीटर के डिजिटल मीटर के इस वायर होता है, ये देखिए रेड कलर का तार है, इसमें देखना है आपको 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ देखिए मीटर में देखिए, देखिए ये 48 वोल्ट नहीं सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि 48 वोल्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है। मैं चेक करता हूँ आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि देखिए पहले से बहुत सारा टेप मारा हुआ था, थोड़ा बुरा हाल कर दिया है। हाँ यहाँ यहाँ देखिए, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ ये तार लगी हुई, ये तार ये देखिए यहाँ टूट चुकी है, गर्दन पास ये घुमा हैंडल घुमाने के चक्कर में कहीं से चप गया और तार देखिए यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे ये टूट गया है तार। यहाँ देखिए ये देख रहे हैं कि मैं कैंची से छीलता हूँ उसको, कोई डिजिटल मीटर हो या कोई नॉर्मल मीटर हो इसमें 48 वोल्ट का सप्लाई होता है। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं इसे छील दिया, यहाँ देखिए ये नोब है, ये कट चुका है, ये अगर कट जाएगा तो काम नहीं करेगा। पहले मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ इसमें 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं, चाबी दे देता हूँ। यहाँ देखिए चाबी मैंने ऑन किया, मीटर देख रहे होंगे
यहाँ देखिए 48 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यही तार है। आप देखिए, अभी इसको देखिए एक कलर का तार को, ये देखिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये ऑरेंज कलर का तार है, चाबी देखो इसमें 48 वोल्ट आता है। यहाँ देखिए, अब मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ, उसको अच्छी तरीके से इसको आपको टेप करना होगा, तार बड़ा करके ही जोड़ दिए। तत्काल मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए बिल्कुल लाइन आ गई है। यहाँ देखिए मैं लाइन काट रहा हूँ, कट गया, यहाँ देखिए लाइन आ रहा है, सब कुछ देखिए बज रहा है, आप देख रहे होंगे अब पूरी तरह सही है। यहाँ ध्यान दे, जब भी मीटर में 48 वोल्ट का जरूरत पड़ता है और माइनस का जरूरत पड़ता है, तो आप देखा, आपने देखा यही प्रॉब्लम था। इस तार को अच्छी तरह से आप टाप टेप कर दें, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थिंग भी टूट जाता है इसमें से, लेकिन अर्थिंग को जोड़ा हुआ है, मैंने चेक कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कोई फॉल्ट आता हो तो आप समझ जाएंगे, अगर कभी भी ऐसा हो तो मीटर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एन आ रही है, जब इस तरह का फॉल्ट हो तो आप मीटर में चेक करें 48 वोल्ट सप्लाई हो रहा है या नहीं। हो सकता है माइनस की टूटने के बाद ऐसा होता है, उसके बावजूद अगर वोल्टेज आने के बावजूद नहीं आ रहा हो तभी आप मीटर को चेंज करें या मीटर खोल कर देखें कोई की टूट गया हो, कंडेंसर उड़ गया हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।